वास्तुशास्त्र में पश्चिम दिशा में रसोई घर। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां भोजन तैयार किया जाता है। भोजन ऊर्जा का स्रोत होता है और इसलिए रसोई घर की ऊर्जा का हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पश्चिम दिशा में रसोई घर। वास्तुशास्त्र में रसोई घर के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण पूर्व मानी जाती है। यह अग्नि तत्व का स्थान है जो खाना पकाने के लिए आवश्यक है। पश्चिम दिशा भी रसोई घर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ कुछ वास्तुशास्त्र सुझाव दिए गए हैं जो पश्चिम दिशा में रसोई घर को शुभ बनाने में मदद करेंगे। रसोई घर का प्रवेश द्वार। रसोई घर का प्रवेश द्वार उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। गैस स्टोव। गैस स्टोव को दक्षिण पूर्व कोने में रखें। सिंक। सिंक को उत्तर पश्चिम कोने में रखें। खाना पकाते समय दिशा। खाना बनाते समय पूर्व या उत्तर दिशा का मुख करें। रंग। रसोई घर के लिए पीले, हरे या सफेद रंग का उपयोग करें। खिड़कियां। रसोई घर में पूर्व या उत्तर दिशा में खिड़कियां रखें। अन्य उपकरण, रेफ्रिजरेटर, ओवन और माइक्रोवेव जैसे अन्य उपकरणों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में रखें। स्वच्छता। रसोई घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। कुछ अतिरिक्त वास्तुशास्त्र सुझाव। रसोई घर में पूजा स्थान जरूर बनाएं। रसोई घर में कांच के बर्तन का उपयोग न करें। रसोई घर में कूड़ा करकट जमा न होने दें। रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा न आने दें, जैसे कि झगड़े या तनाव। निष्कर्ष। वास्तुशास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा में रसोई घर अच्छा माना जाता है। यदि आप कुछ वास्तुशास्त्र सुझावों का पालन करते हैं तो आप अपने रसोई घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य और समृद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तुशास्त्र एक जटिल विषय है और ये केवल कुछ सामान्य सुझाव हैं। यदि आप अपने घर के लिए वास्तुशास्त्र परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको किसी अनुभवी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।